हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स किचन। आज हम परफेक्ट मेजरमेंट से चौराफली बनाएंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ बनाएंगे। तो आप पहली बार में बना रहे हैं तो भी परफेक्ट बनेगी, कभी भी फेल नहीं होंगे। जब घर पे इतनी आसानी से बना सकते हैं तो बाहर की इतनी महंगी वाली चौराफली क्यों लाना। तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं एकदम क्रिस्पी और फुली फुली चौराफली। परफेक्ट चौराफली बनाने के लिए डो भी एकदम परफेक्ट चाहिए, तभी हमारी चौराफली एकदम फुली फुली बनेगी। तो डो बनाने के लिए एक तिहाई कप पानी लिया है, इसे बाउल में डाल देंगे। ये 80 ml पानी है। आधी टीस्पून में थोड़ा कम नमक डालेंगे, आधी टीस्पून में थोड़ा कम सोडा डालेंगे, 1.5 टीस्पून तेल डालेंगे। नमक और सोडा पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक इसे मिक्स करना है। इसमें हमें ज़्यादा पानी लेके सोडा और नमक मिक्स नहीं करना है, क्योंकि डो बनाएंगे और ये पानी बच जाएगा तो सोडा और नमक का मेज़रमेंट गलत हो जाएगा। तो इसके लिए पहले से हमें ज़्यादा पानी नहीं बनाना है। अगर ये पानी थोड़ा कम पड़ जाएगा तो हम सादा पानी डाल के डो बना सकते हैं। सोडा और नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। 250 ग्राम चौराफली का आटा लिया है। अभी दिवाली में ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसे छन्नी में डाल के छान लेंगे। अगर आप ये रेडीमेड आटे से बनाना नहीं चाहते हैं तो आप 2 कप बेसन और 1 कप उड़द दाल का आटा डाल के भी बना सकते हैं। बीच में इस तरह से खड्डा बना लेंगे। पानी में नमक और सोडा डाल के मिक्स किया है, ये अंदर पूरा डाल देंगे। अच्छे से सब मिक्स कर देंगे। यही बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है, वो थोड़ा 1-1 चम्मच डाल के मिक्स करेंगे। अभी मैंने 3 टीस्पून पानी डाला है। ये आटा बहुत ही चिकना होता है तो हाथ में थोड़ा सा चिपकेगा। पहले मैंने इसमें 5 टीस्पून पानी डाला है, 1 टीस्पून पानी और डालेंगे। मैंने इसमें टोटल 6 टीस्पून पानी डाला है। कभी कभी चौराफली के आटे की क्वालिटी के हिसाब से पानी 1-2 चम्मच कम या ज़्यादा लग सकता है, तो उस हिसाब से पानी डाल के इतना हार्ड डो बनाना है। प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन करके इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इसे हमें कूटना है तो ये दस्ते के ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे कूटेंगे। इस तरह से अच्छे से कूट के इसे स्मूथ बनाएंगे। इसे 5 मिनट अच्छे से कूट लिया है और आप देख सकते हैं डो एकदम स्मूथ हो गया है। अभी हम इसे हाथ से इस तरह से खींचेंगे। पहले ये टूट जाएगा लेकिन जैसे जैसे हम इसे खींचेंगे वैसे वो ये लंबा खींचता जाएगा। इस तरह से 4 से 5 मिनट के लिए डो को खींचेंगे। डो को अच्छे से हम कूट के लेंगे तो बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं ये किस तरह से खींच रहा है। इस तरह से परफेक्ट डो बना के चौराफली बनाएंगे तो चौराफली एकदम फुली फुली और क्रिस्पी बनेगी। आप देख सकते हैं डो किस तरह से खींच रहा है। अगर हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा तेल लगा के इसे खींचना है। डो को अच्छे से खींच के एकदम स्मूथ बना लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा डो बन के रेडी हुआ है। थोड़ा सा हाथ में तेल लगाएंगे और इस तरह से इसका लंबा रोल बनाएंगे। एकदम स्मूथ और चिकना रोल बनाएंगे। इस नाइफ से कट करेंगे इस तरह से। लोई को इस तरह से चपटा करेंगे और इसे एक बाउल में ले लेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून तेल डाल के लोई को तेल से कोट करेंगे ताकि लोई सूख नहीं जाएगी। अच्छे से तेल से कोट कर देना है। एक लोई इसमें से ले लेंगे और बाकी के ऊपर ढक्कन लगा के रखेंगे। चकले के ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इसे बेलेंगे। जितना हो सके उतना पतला बेल के रेडी करना है। इतनी पतली बेल के रेडी करेंगे। चौराफली को बेल के इस तरह से कोई भी कपड़े के ऊपर या नैपकिन के ऊपर डालना है। चौराफली को एक साइड से 5 से 7 मिनट सुखा लेना है, फिर इस तरह से सभी उल्टा कर देना है और दूसरी साइड से भी 5 से 7 मिनट के लिए इसे सुखाएंगे। बाद में इसे फ्राई करेंगे।
चौरा फली पे डालने के लिए मसाला रेडी करेंगे। बाउल में एक टीस्पून काला नमक लेंगे, इसमें एक टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है, आपको नॉर्मल लाल मिर्ची पाउडर डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। चौरा फली को कट करेंगे, मैं इसे राउंड शेप में ही रख के इस तरह से बीच में कट लगाऊंगी। आपको इसकी पूरी स्ट्रिप कट करना है तो कट कर सकते हैं इस तरह से। मेरे घर में सभी को इस तरह से ही चौरा फली पसंद है, इसके लिए मैं पूरा इसे राउंड रख रही हूँ। आप इस तरह से पूरी स्ट्रिप अलग कर सकते हैं। तेल गरम करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा आटा डाल के देख लेंगे। अब देख सकते हैं तेल अच्छे से गरम हो गया है, आटा तुरंत ही ऊपर आ गया। गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे और चौरा फली अंदर डालेंगे और तुरंत ही झारे से इस तरह से दबाना है तो ये फूल जाएगी, पलट लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इस तरह से फ्राई करेंगे। दोनों साइड से थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो जाए तब तक फ्राई कर लेना है, निकाल लेंगे। इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये तुरंत ही फ्राई हो जाती है। मसाला हमने बनाया है ये ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। गरम चौरा फली के ऊपर तुरंत ही मसाला डालेंगे तो अच्छे से चिपक जाएगा। अगर आप इस तरह से स्ट्रिप पूरी कट करके ले रहे हैं तो एक एक डाल के फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल जाती है। इस तरह से फ्राई करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो हम राउंड शेप में रखते हैं तो वो अच्छे से फ्राई हो जाती है, लेकिन ये पूरी फूलेगी। आप देख सकते हैं कैसे फूल गई है। चौरा फली बन के रेडी हो गई है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के एक महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये एकदम क्रिस्पी, कुरकुरी और एकदम फुली फुली बनी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।